गुड मॉर्निंग नहीं, गुड मॉर्निंग नहीं, गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग। अब स्वागत है पटना में, और चल रहे हैं हम पटना से वापस भागलपुर की ओर। जो ऑफिशियल काम हो गया था, आज पटना सर की स्थिति बहुत ख़राब है, पूरा जाम ही जाम है सुबह से। पता नहीं छठ के बाद लोग शायद जा रहे हैं या लगन का ये मौसम है, जो भी हो काफ़ी जाम है। इसीलिए मैंने जाम को देखते हुए अपनी ब्लॉगिंग पहले नहीं शुरू की। अब हम निकल रहे हैं वापस, आज का स्टे होगा नालंदा यानी बिहार शरीफ में। और जैसा कि आपने पिछले ब्लॉग में देखा था कि भागलपुर से नालंदा आने के क्रम में कुछ भी पार्ट नहीं आ पाए हैं, तो उसका एक रीज़न यह भी था कि जो मानव का जो TRS अडेप्टर होता है उसने काम करना बंद कर दिया था, जिसके वजह से पिछले कई सारे वीडियो में ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। तो अब जाके मैंने दूसरा अडेप्टर ऑर्डर किया, ये रोड का अडेप्टर है और उससे मेरा माइक कनेक्टेड है, तो मैं एक तरह से इसकी टेस्टिंग भी हो जाएगी। और आज सुबह से पटना काफ़ी जाम है, और ये चीज़ें पहाड़ों को बड़ी ख़ास बनाती है। पहाड़ों पे इतने चौड़े रोड्स नहीं होते, लेकिन मजा ले कि कोई लेन अपना छोड़ के इधर हो जाए। सिविक डिसिप्लिन काफ़ी अधिक होता है पहाड़ों में, और जब हम जैसे राइडर भी जब पहाड़ों पे जाते हैं तो उस चीज़ों को फॉलो करते हैं, और यहाँ से कोई भी पब्लिक चले जाए वो फॉलो करती है, चाहे यहाँ का कोई भी ड्राइवर हो वो भी फॉलो करता है। लेकिन जब हम अपने इन इलाकों में आते हैं तो पता नहीं ये हॉचपॉच सी ट्रैफिक की हो जाती है। अगर आप उसको फॉलो भी करने का कोशिश करें तो पीछे से बोलेंगे भैया चलिए ना, इधर से निकालिए उधर से निकालिए, और इस तरह से ट्रैफिक और उलझ जाता है। खैर वैसे भी इधर ट्रैफिक का दबाव तो किसी भी राज्य की राजधानी में वैसे भी बहुत होता है, और पटना में विशेषकर वर्तमान समय में लगन का भी समय है, और छठ के बाद लोग अपने घरों के लिए भी अपने ड्यूटी स्टेशन, घर तो सब बिहार के ही, बहुत सारे लोग भारत के विभिन्न राज्यों में ड्यूटी करते हैं, नौकरी करते हैं, कुछ मजदूरी करते हैं। वो सभी कहीं ना कहीं वापस ड्यूटी स्टेशन की ओर लौटते हुए, और दो साल बाद कोविड के दो साल के गहन प्रभाव, मतलब लिटरली दो साल कोविड ने सारे त्योहारों का रंग फीका कर दिया था। इस बार चाहे जो भी रीज़न हो, भीड़ बहुत आई है और थोड़ी सी ढिलाई भी दी गई है नियमों में, अच्छी बात है। त्यौहार जीवन में नया रंग भरते हैं, और इस बार के त्यौहार में जब नदी के घाटों पे जो छठ पूजा हो रही थी और जो छठ का जो गीत बजता है, तो वो वातावरण में एक बहुत ही सुखद आनंद और असीम शांति पैदा करता है। अन्यथा बाकी पर्व हो त्यौहार हो उसमें कुछ ना कुछ हड़दंग होता ही है। और मैं पहले भी कहता हूँ भारतीय त्यौहारों की बात ही कुछ और होती है, जहाँ दिवाली में पटाखे फूटते हैं तो होली में रंगों का होता है, और छठ पूजा में उगते हुए सूरज को और डूबते हुए सूरज को दोनों को समान रूप से पूजते हुए जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश दिया जाता है। देखते हैं जिंदगी में ऐसे पर्व पहले के तुलना में
अब पर्वों की अहमियत बढ़ गई है, क्योंकि पहले लोगों को समुदाय में समाज में मिलने जुलने का समय होता था, लेकिन अब भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है, ज़िंदगी जीने के लिए जद्दोजहद ज़्यादा है, दबाव है, मौके कम हैं, बहुत सारी की एक अलग ही दुनिया में हम जी रहे हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में त्यौहार ही हमें न केवल अपने घर परिवार से वापस जोड़ते हैं, बल्कि जीवन में आनंद भी लाते हैं। और ये बड़ा अच्छा संदेश, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आजकल ट्रकों के पीछे बड़े अच्छे अच्छे मैसेज होते हैं। ज़िंदगी हर रोज़ एक नई जंग है, कोई गाड़ी पे है तो कोई वाहन पर, कोई एम्बुलेंस पे, और जब तक जिंदा हो ज़िंदगी के हर मज़े लो। बस कोशिश करो कि किसी का बुरा ना करें। यह एम्बुलेंस वाले भाई साहब को थोड़ा जाने देते हैं, क्योंकि ओवरटेक करना सही नहीं होगा। हालांकि इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं है, अगर आगे कहीं रुकेगी तो देखेंगे, पास लेंगे तो ज़रूरत पड़ी तो, लेकिन एम्बुलेंस को पहले रास्ता देना चाहिए। किसी के जिंदगी और मरण का सवाल होता है, और इतना तो हम फर्ज निभा कर सकते हैं। और अब तो लोगों को, ड्राइवर्स जो हमारे भाई बंधु हैं, चाहे वो ट्रक के हो या टैक्सी के, उनमें भी इतनी अवेयरनेस आ गई है कि अब सभी लोग एम्बुलेंस को प्राथमिकता देते हैं, बशर्ते कोई रैला रैली नहीं हो। क्योंकि रैलियों में मैंने अक्सर देखा है, विशेषकर जब वो राजनीतिक रैली होती है तो एम्बुलेंस फंस जाती है। भैया जाने दो यार, एम्बुलेंस को रास्ता दे दो। वेरी गुड, ये हुई अच्छी बात, स्मार्ट सिटीजन, सेंसेबल सिटीजन, और यही बात होती है सभी लोग। अच्छी स्थिति में रोड लगभग लगभग खाली है, ऐसे भी आगे टोल टैक्स है, तो हम तो भैया टोल फ्री हैं, अपनी बाइक तो टोल फ्री है। कुछ चुनिंदा रास्ते हैं, कुछ चुनिंदा हाईवे है जहाँ पे मोटरसाइकिल्स के लिए भी टोल है, जिसमें यमुना एक्सप्रेसवे है। अभी जो बताओ कितना में पूर घुस जाते बेटा तुम, हजार रुपये का तो तेल नहीं भराया, कुछ नहीं है। हाँ, आप सभी लोग दिखोगे, हजार रुपया दे तो अच्छा रखे, वो सिक्का ले ले, दुआ करके दे देंगे, देख लो जो है रखो ना, आपने बोल दिया हमने दे दिया, दे दा दे के जा। तो इन लोगों को तो पहले आशीर्वाद दे दो, दिल से खुश, दिल से आशीर्वाद के दूसरे का। चलिए धन्यवाद। और ये रोड ट्रिप की विशेषता है, आप में से कुछ लोगों की आपत्ति होगी कि आपने क्यों दिया। देखो ये थोड़ी सोच पे भी निर्भर, मैंने भीख नहीं दी, मैंने उनको लाइवलीहुड किया, जो उनका तरीका है उसको प्रमोट किया। चलो ठीक है, प्रमोट क्या किया, उनको सपोर्ट किया। गवर्नमेंट की नई सारी पॉलिसी जो आ रही हैं उनमें नो डाउट अब थर्ड जेंडर्स जो हैं हमारे समाज का जो एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, जिन्हें हमेशा से एक हे दृष्टि से देखा गया। लोग ये भी भूल गए
कि स्वयं अर्जुन जो एक बहुत बड़े धनुंधर थे उन्होंने भी शिखंडी का रूप धारण किया था। और जब हमारे शास्त्रों में, हमारे धार्मिक ग्रंथों में इसकी चर्चा है, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम इन्हें बहुत ही हीन रूप से देखते हैं, जो कि उचित नहीं है। कोई भी व्यक्ति जानबूझ के ऐसा करना नहीं चाहता है, मजबूरियां उसे इन चीज़ों के लिए करती हैं। कुछ लोग उसमें गलत होते हैं, संगठन जानबूझ के करते हैं, उनका सोच अलग होता है। तो 1 अरब की आबादी में कुछ तो होंगे ही। जब हम 1 बोरी चावल खरीदते हैं तो उसमें 10-20 कंकड़ मिल ही जाते हैं। तो कुछ लोग होते हैं हर जगह जो गलत होते हैं, गलत तरीके से काम करते हैं, लेकिन उसके लिए पूरे समुदाय को दोष देना उचित नहीं होगा। और ये तो बहुत सस्ता सा सौदा है। अगर आप कुछ रुपए देकर अगर दुआएं खरीद लेते हैं, किसी का आशीर्वाद खरीद लेते हैं, तो सबसे सस्ता बस नेकी और जो दुआ है, अगर वो कुछ पैसे में खरीदी जा सके, खरीद ही ले सके, लेनी चाहिए। पता नहीं ऊपर वाला कब उसे अपने झोली में गिन ले। तो ये सब बातें हैं, और यही सब बातें, ये अलग अलग नज़ारे, ये व्यू, ये लोगों से इंटरेक्शन मुझे रोड ट्रिप के लिए और भी प्रेरित करता है।